कोई कहानी कोई अल्फाज सुना तो सही, कोई कहानी कोई अल्फाज सुना तो सही, अगर हंसा नहीं सकता मुझे रुला तो सही। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को गणेशोत्सव यानी गणेश पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सिद्धिदाता गणेश की पूजा की जा रही है पूरे देश में, और महाराष्ट्र में तो चूंकि काफी धूमधाम से गणेश की पूजा की जाती है और गणपति बप्पा मौर्या के नारों से पूरा महाराष्ट्र गूंज उठता है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से इसके रंग में काफी फीकापन आ गया है, लेकिन फिर भी लोगों में काफी आस्था है, विश्वास है, और लोग सिद्धिदाता गणेश से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कोरोना से मुक्ति दिला दो। गणेशोत्सव से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा, सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। भवानीपुर सीट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें लग गई हैं, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। तृणमूल कांग्रेस से इस बार खुद तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार है भवानीपुर सीट से, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रियंका टिबड़ेवाल को मैदान में उतार दिया है, और 8 विधायकों को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि चुनाव प्रचार पर वह पूरा ध्यान दें और पूरी ताकत झोंक दी जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां से किसको शह मिलती है और किसको मात मिलती है। बहरहाल हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। हमारे पास खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के बर्णपुर इलाके से। बर्णपुर में उत्तरायण की तरफ से यहां गणेश प्रतिमा स्थापित की गई और यहां गणेशोत्सव का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार भी यहां गणेश पूजा की जा रही है, जिसका आज बाजाबता उद्घाटन किया गया। इस मौके पर इलाके के गणमान्य लोग खास तौर से मौजूद थे। তো এই বছর যেহেতু করোনার টাইম চলছে, তো আমাদের করোনা যে বিধিনিষেধ গাইডলাইন প্রোটোকল মেনে করে আমরা পুজোটা করছি। আমাদের বিশেষ যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করোনা কালে রক্তের যে অভাব চারদিকে, সেটাকে আমরা মাথায় রেখে পুজোটা যেটা করতেই হয় সেটা তো অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু সমাজের কথা মাথায় রেখে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের উপর বেশি জোর দিয়েছি। সেদিকে আমরা চাইছি যত বেশি হোক আমাদের মেম্বাররা তারা ব্লাড ডোনেশন। पंडाल के धूपचुड़िया इलाके में एक पेट्रोल पंप में हुई डकैती के बाद पुलिस ने सक्रियता बरतते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है, तफ्तीश लगातार जारी है, और आसनसोल अदालत से ये गुजारिश की गई है कि 14 दिनों की रिमांड दी जाए ताकि और लोगों के नाम सामने आ सकें और इन पर सख्ती बरती जा सके और इनसे ये पूछताछ की जा सके कि इस गैंग में और कौन लोग शामिल हैं और किन लोगों ने मिलकर अंडाल के धूपचुड़िया पेट्रोल पंप में दबिश दी और यहाँ से 1,00,000 रुपये की लूट की। बहरहाल पुलिस को एक कामयाबी मिली है और 2 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। কলকাতা থেকে এখানে এসেছিল কি করে, কি ডাকাতি করবার জন্য?
আর কে কে আছে দলে আর কে কে আছে তোমাদের সঙ্গে সবার নাম বলে দিয়েছি সবার নাম বলে দিয়েছি কে কে ছিল কে কে ছিল সবাই তোমরা কলকাতা না झारखंड में आजसू की तरफ से झारखंड सरकार से 24% आरक्षण की मांग की जा रही है, जबकि सरकार 14% आरक्षण यहां पे दे रही है। और 24% आरक्षण देने की मांग करते हुए नाला से हमारे पास खबर आ रही है। झारखंड के नाला में आजसू की तरफ से एक विक्षोभ प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। माधव चंद्र महतो जो केंद्रीय सचिव है आजसू के, उनकी देखरेख में, उनके नेतृत्व में यहां आंदोलन किया गया और जमकर प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि यहां 24% आरक्षण मिलना चाहिए यहां के लोगों को, झारखंड के लोगों को। इस मांग को लेकर यहां जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। समाज के 50% उपस्थिति वाले ओबीसी के 27% आरक्षण के फेवर में 8 तारीख को शहीद निर्मल महतो जी का जन्मदिन के अवसर पर लगातार पार्टी रिजर्वेशन के संबंध में काम कर रही है। इसी के तहत स्मारक पत्र लाखों की संख्या में 10.5 लाख स्मारक पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नाम से संबोधित गांव गांव का ये लेके हम लोग आपका रांची कूच किए, जिसमें हर दिन 8-8 जिले थे। कल इस आंदोलन का अगुवाई हमारा सुप्रीमो भविष्य की पार्टी का नेता आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी कर रहे थे। निहत्ते लोगों पर हेमंत सरकार के इशारे पर उनकी पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगाकर और हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाया गया, जिसके विरोध स्वरूप आज हम लोग राज्य के 260 प्रखंडों में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब जब अत्याचार हुई है तब तब सरकारें बदली है, सरकार गिरी है, और प्रजातांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर लाठी चलाना ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रजातंत्र की हत्या है। हम उसी के विरोध स्वरूप आज यहाँ पर उपस्थित हैं और हम इस संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण दे, नहीं तो आंदोलन उग्र होगा। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा गांधी न्यू कॉलोनी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई का काम पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी मुखालफत की और पुलिस को इसकी खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद जो लोग इस गोरख धंधे से जुड़े हुए थे वे फरार हो गए। पुलिस हालांकि इस मामले में खोजबीन में जुट गई है और ये जानने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर कौन लोग इस गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं और पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई चल रही है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों में नाराजगी है। हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से बातचीत भी की। अब चिट्ठी से नहीं किया है, अब इसे कटवाया है तो वो बोल देते हैं इसका खाते छोटे सुबह रे बहुत 2 मिनट
सुबह भाई हमारा ये लोग देखिए आया, ये लोग गाड़ी उड़ी लेके, हम अपना घर में काम करते रहे। ये वाला जो नीम गाछ है इसका ये लोग टारगेट रहा काटने का, तो उसका बाद हम इस लोग से बहुत झमेला हो गया, बाता बाती बहुत बढ़ गया। हम मेरा दोस्त दो तीन भी लोग बोले, उसका बाद ये लोग अब का किया है कि पूरा ये लोग बंटी उंटी सब था, सचिन उचिन जो तीनों भाई श्री कृष्ण चाचा, हमको बोले नहीं आके ये लोग ये वाला गाछ तो काटेगा पिल्लू हो रहा। तब हम आगे ही बोल दिए नहीं, ये वाला पिल्लू थोड़ी बेटा धंधा, ये तो बेचाने खातिर हो रहा है। यही ये लोग से बात को फिर हम लोग समझा दिया, नहीं तुम्हारा कोई गाछ नहीं काटेगा, ये वाला हम लोग काटेंगे। फिर भाई देखिए हम लोग सब देखे कोई कुछ नहीं बोला था, हम भी नॉर्मल हो गए। तो उसके बाद आपने पुलिस को बताया? हाँ हाँ, पुलिस उलिस के सब खबर हुआ, तब पुलिस आ रहा। अभी तो गाछ भी कटवा के अभी तक ये गाड़ी बंद कर, पुलिस आगे क्या बोला? पुलिस आके बंद करवाया ये लोग, पूछताछ किया, उसका बाद बंद करके चला गया। आपका नाम? हमारा नाम सर। बालू उत्खनन पर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि बालू नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कंस्ट्रक्शन के काम, निर्माण के काम बिल्कुल रुक गए हैं। आसनसोल और आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। लिहाजा व्यवसायिक संगठन फॉसबेकी की तरफ से आज एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मुलाकात की, डीएम अरुण कुमार से मुलाकात कर उनसे ये अनुरोध किया गया कि बालू का उत्खनन फिर से शुरू कर दिया जाए, ताकि बालू की सप्लाई की जा सके, ताकि लोग जिनके कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है, निर्माण का जहां काम चल रहा है, वहां परेशानी ना हो और कंस्ट्रक्शन का काम रुक ना जाए। इसे लेकर अनुरोध किया गया है जिलाधिकारी से। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इसीलिए तो लाया नहीं, कुछ लाया नहीं।